Hello everyone, welcome back to my channel. After a long time period, I'm starting again this video creation on the point of view of the children that they are demanding for the game's theoretical part. So I started with the theory of football chapter. Okay, so beginning with that chapter of football, that football is also called as game of soccer. This soccer game has originally stated in England. It was originated in England in 18th century. Basically, the Football Association was generated in England in 1863. The rules and regulations, the associations was started over there. But after that, after a few years, the rules and regulations were amended till nowadays. And all these organizations, the football associations consisting in different countries, are having the same rules followed by the main association of football. So the main association of football is IFAB, that is International Football Association Board, that determines and amends the laws. Inka main kaam kya hai ki ye law ko banate hain aur usi ko badalte hain. Amends the laws, changes लाना या उसमें कोई भी upgradation लेकर के आना, ये सारा काम जो है IFAB का है. फिर उसके बाद और association आते हैं, जैसे कि हमारा FIFA हो गया, right? और India का हो गया, IFAB हो गया. तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के institutions हैं football से related, जो different countries के अपने अलग अलग होंगे. और football के लिए main बात ये ध्यान रखनी होती है that football is basically a team game, right? So that team game is consisting of 11 players for both the teams, and they are having few of the extras players to play that game. अब इससे related हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा football field actually होता कैसा है, and then after we will proceed with the further details of football. Okay, now let's see. Okay, so beginning with this part related to the field of football, that it is in a shape of rectangle, which consists of two main lines, that is the goal line. इधर गोल पोस्ट के पास और इधर गोल पोस्ट के पास, दिस इज कॉल्ड एज द गोल लाइन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज द साइड लाइन, और वी कैन से एज अ टच लाइन. अलोंग विद दिस, द मेन लाइन फ्रॉम वेयर द सेंटर पॉइंट इज बीइंग मार्क्ड, द लाइन इज कॉल्ड एज हाफ लाइन, और वी कैन से एज सेंटर लाइन. इसको हम लोग हाफ लाइन भी बोलते हैं और सेंटर लाइन भी बोलते हैं, जहां पर एक सेंटर सर्कल बना होता है जिससे हमारा गेम स्टार्ट होगा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर मार्क, जहां पे गेम स्टार्ट करने के लिए बॉल को रखा जाएगा. एंड आफ्टर द टॉस, द टीम और द कैप्टन इज सिलेक्टिंग टू टेक ईदर अ किक ऑफ और टू टेक द साइड. या तो टीम ऑप्शन ले लेती है कि वो किक ऑफ करेगी सेंटर पे बॉल रख के, या वो ये साइड ऑप्ट कर सकते हैं इधर दिस वन और इधर दिस वन. सो द मेजरिंग साइड्स, और वी कैन से द डायमेंशंस ऑफ द फुटबॉल फील्ड, द लेंथ from one end, that is from one goal line to the other goal line, is having the range of 100 to 130 yards. या तो इनकी range 100 yards या 130 yards के बीच में होगी, एक ideal length की बात कर रहे हैं. और अगर हम meter में करते हैं तो 90 meters से लेकर के 120 meters के बीच में ideal length. But maybe somehow in the national games उम्मीद होती है कि ऐसे ही ground उन्हें मिलेंगे. बट लोकल लेवल पे अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, जोनल लेवल हो गया, रीजनल लेवल हो गया, और या स्टेट भी हो गए, तो माइट बी पॉसिबल कि इसकी लेंथ वेरी कर जाए. बट ये जो है ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है जो हमारे पास फुटबॉल फील्ड में होना चाहिए. आगे चलते हैं इसकी ब्रेथ के बारे में, दैट इज द गोल लाइन, हैविंग द टोटल ब्रेथ ऑफ रेंज 50 to 100 मीटर, और इफ वी आर कंसिडरिंग इन मीटर दैट इज 45 to 90, एंड इफ यू आर कंसिडरिंग इन यार्ड दैट इज 50 to 100 यार्ड्स. यार्ड्स में याद रखना बहुत आसान होता है, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल यू कैन लर्न और यू कैन राइट इन यार्ड्स द डायमेंशंस ऑफ द फुटबॉल फील्ड. अलॉन्ग विद दिस, बोथ द एंड्स आर हैविंग ऑफ गोल पोस्ट, यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है कि ये गोल पोस्ट कहलाता है, दोनों एंड पे ये होंगे. फिर उसके आगे जो बॉक्स बनाए इन साइड द फील्ड, ये होता है हमारा गोल एरिया, और उसके नीचे जो आता है दैट इज कॉल्ड एज द पेनाल्टी एरिया. पेनाल्टी एरिया के अंदर एक मार्क होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेनाल्टी मार्क. फिर यही सेम चीज हमारी दूसरी एंड पे भी होती है,
और दोनों ही पेनाल्टी एरिया के बाहर एक सेमी सर्कल होता है कुछ इस तरीके से जो दोनों में बना हुआ है। ये पेनाल्टी मार्क से 10 यार्ड की दूरी पर बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि जब हमारी पेनाल्टी शूट्स हो रहे होंगे या पेनाल्टी के ऑफ हो रहे होंगे तो जो बाकी रिमेनिंग प्लेयर हैं दे शुड स्टैंड एटलीस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यार्ड्स एटलीस्ट। तो कम से कम ये पेनाल्टी सर्कल के जो हाफ सर्कल बना है जिसको डी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो इसके बाहर ही प्लेयर्स रहेंगे, उसके अंदर की तरफ प्लेयर्स नहीं आएंगे। सो एक मार्किंग के लिए हम एक डी बनाते हैं जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पेनाल्टी शूट्स में या पेनाल्टी किक्स में बाकी रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो इसके बाहर ही रहेंगे। फिर आते हैं हमारा सेंटर पॉइंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमारी जो रेडियस होती है दैट इज फ्रॉम सेंटर मार्क टू द सर्कमफ्रेंस, यहां तक के जो ये रेडियस है हमारी दैट इज ऑफ 10 यार्ड्स, इतनी दूरी को मेजर करके हमारा एक सेंटर सर्कल बनता है जहां से गेम स्टार्ट होगा। नीचे आ जाते हैं, या तो यहां से मेजर कर लें या यहां से। गोल पोस्ट के डायमेंशन, गोल पोस्ट जो है आज के टाइम पीरियड पे मेटालिक पोल्स भी होते हैं, पहले जो है वुडन पोल्स भी चलते थे लेकिन आज के टाइम पीरियड पे मेटालिक पोल्स होते हैं, तो इनकी हाइट और ब्रेथ दोनों है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम वन एंड टू वन एंड दैट इज फ्रॉम वन पोल टू अदर पोल दैट इज ऑफ 8 yards, 8 yards की दूरी हमारी इन पोल्स के बीच में रहती है गोल पोस्ट के लिए। और जो पोल्स बने हैं मतलब जो पोल्स लगे होते हैं इन दोनों एंड्स पे, इनकी हाइट कुछ होती है, दैट हाइट इज ऑफ 8 feet। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 8x8 ध्यान रखना है, बट 8x8 में एक यार्ड्स में है और एक 8 feet में है, तो आपकी जो टोटल लेंथ हो गई वो हो गई 8 yards ऑफ द गोल पोस्ट, और जो उसकी हाइट हो गई दैट इज ऑफ 8 feet ऑफ द गोल पोस्ट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, दिस इज द गोल एरिया। अब गोल एरिया जो है वो हमारा पोल्स के लेफ्ट और राइट साइड पे 6 yard की दूरी से बनाया जाता है। इसकी डिस्टेंस पोल से 6 yard होगी और जहां ये एंड होगा उसके आगे भी हम एक मार्क और लगाते हैं, वो भी है 6 yards पर। तो जितने इसकी लेंथ है ये भी 6 yard है और पोल से इतना डिस्टेंस है वो भी 6 yard है। सेम इसी तरीके से यहां से 6 yards और यहां से 6 yards, दैट इज द आइडियल मेजरिंग फॉर द गोल एरिया। और जो इसकी टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो 20 yards, कैसे हो सकती है, 6 + 6 + 8, 6 × 6 = 12 और 8 = 20, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया मतलब कि लेंथ हो गई वो हो गई 20 yards, और गोल पोस्ट यानी कि पोल्स के बाहर से जो डिस्टेंस होगी वो 6 और 6 yards हो जाएगी। फिर इसके आगे बढ़ जाते हैं पेनाल्टी एरिया के लिए, जो कि ये हमारा पेनाल्टी एरिया कहलाता है, यहां पे भी बना हुआ। तो पेनाल्टी एरिया के डिस्टेंस हमारी गोल एरिया की एंड लाइन से 12 यार्ड्स की दूरी पर एक मार्क लगता है। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर भी गोल एरिया की एंड लाइन से एक मार्क और लगता है, दिस इज ऑफ 12 yards। इसी के आगे बढ़ जाते हैं अगर हम, तो टोटल इसकी जो डिस्टेंस है फील्ड के अंदर वो है 18 yards और यहां तक भी 18 yards, दिस इज द विड्थ। और टोटल लेंथ की बात करें अगर हम, तो दिस टोटल लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल टोटल डायमेंशंस, यहां से यहां तक के इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 44 yards, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पेनाल्टी एरिया। तो बात आ जाती है पेनाल्टी एरिया की, तो 44 by 18, बात आ जाती है अगर गोल एरिया की 20 by 6, और बात आती है अगर गोल पोस्ट की तो दैट इज 8 by 8, बट इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, 8 yards और हाइट है 8 feet। This is the basic thing in the football field. Now, moving ahead with this, these arcs. आपको यहाँ पे arc दिख रहे हैं. These arcs are named as corner arcs. जब corner kick मिलती है हमें, तो for the kick of the corner kick, we have to use the ball in the corner arc, keep the ball in corner arc, and then we have to shoot it. It can be a direct goal. और इट कैन बी ऑन द बेस ऑफ पास वे, मतलब हम अपने किसी एक प्लेयर को पास कर दें और वो गोल कर सकता है, दैट मे बी पॉसिबल। सो दिस इज हैविंग द डिस्टेंस मींस द रेडियस ऑफ 1 yard, यानी कि यहां से मेजरमेंट जो करते हैं वो इसका डिस्टेंस होता है 1 yard, राइट? और 1 yard का मेजरमेंट करके हर कॉर्नर पे हम एक आर्क लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्नर आर्क। ठीक है, तो वैसे तो कॉर्नर किक कब लिया जाता है या गोल किक कब लिया जाता है इसके बारे में भी हम आगे भी बात करेंगे, बट आपको बेसिकली अभी स्टार्टिंग में फील्ड के बारे में समझना है। एंड ऑन द बोथ
these two ends and both these two ends, the flags are to be placed. That is called as corner flags. इन फ्लैग्स की भी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है दैट इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द हाइट ऑफ 5 feet. तो मतलब फ्लैग की जो हाइट है वो है आपकी 5 feet एंड फ्लैग पोस्ट शुड बी फ्लेक्सिबल. अब ये जो पोस्ट होते हैं ये फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं दैट आर अटैच टू द ग्राउंड सर्फेस सो दैट द इंजरी कैन नॉट बी हैपन टू एनी ऑफ द प्लेयर. इन केस वाइल स्नैचिंग द बॉल एट द कॉर्नर एरिया, बाई चांस अगर बॉल बाहर नहीं जाती है फील्ड के अंदर ही रहती है, तो बॉल हमें लेने के लिए इस कॉर्नर आर्क से अंदर ही अंदर बॉल रिसीव करनी है अगर खेल रहे हैं तो. और अगर इससे बाहर हो जाती है तो डिपेंड करता है कि हमें वो गोल लाइन से बाहर बॉल गई है कि साइड लाइन से बॉल बाहर गई है, किसी ऑफेंडिंग प्लेयर की टीम से बॉल बाहर गई है, डिफेंडिंग प्लेयर की टीम से बॉल बाहर गई है, तो उसी हिसाब से उसका डिसीजन लिया जाएगा. इधर अ गोल किक और अ थ्रो इन और इधर अ कॉर्नर किक, दैट मे बी डिसिसिव एज पर द सिचुएशन और एज पर द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द असिस्टेंट रेफरीज. मेन बात आती है अब इसके अंदर फ्लैग का टॉप कैसा होना चाहिए. द टॉप ऑफ द फ्लैग इज टू बी नॉन पॉइंटेड. वो फिर से इसीलिए कहा जाता है दैट टू अवॉइड द इंजरीज, किसी भी प्लेयर को कोई इंजरी ना हो, तो इस वजह से जो फ्लैग का टॉप पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज नॉन पॉइंटेड. मतलब थोड़ा सा फ्लैट हो या सेमी सर्कुलर में हो जिससे कि प्लेयर के इंजरी ना हो, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है. नाउ इनसाइड द फील्ड there is a person who controls the game that is called as the referee, जिसको हम लोग main referee बोलते हैं और वो field के अंदर होता है. इसके बाद आते हैं दो और लोग जिनको बोलते हैं हम assistant referee that are to be placed on one of this side and one of this side to guide the main referee whether the decisions have not been seen by the main referee. कभी कोई conflict हो जाते हैं, circumstances होते हैं, कोई लड़ाई है या कोई और किसी भी तरीके का foul है जो referee को नहीं दिख रहा, तो देखेगा कौन? All these two referees, those who are moving on these sidelines, right? So this was all about the football field basically, and then we will proceed with the specifications of the football.